तो बहुत प्यारे हो। बचाओ मुझे। हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर वो विनर को लेकर कहाँ जा रहे हैं। वो न्यूयॉर्क के रास्ते पर है। न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड में तुम्हारा स्वागत है जंगली जानवरों। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे लगा मैं पेड़ पर सोने चला गया। पता नहीं मैं इन बेवकूफों की दुनिया में क्या कर रहा हूँ। बस अब बहुत हो चुका। मैं जंगल की पंचायत में शिकायत करूंगा और तुम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। तैयार रहना तुम लोग। ये बहुत अच्छा था जूनियर, तुमने बहुत अच्छी किक मारी। क्या बात है। थैंक्स, लेकिन दिशा गलत थी। फिक्र मत करो, एक बार किक मारना सीख के ना तो सही दिशा में मारना भी आ जाएगा और धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख जाओगे। वो कहाँ गई होगी? लगता है झाड़ियों के पीछे। मैं देख के आता हूँ। खूंखार? कहाँ है खूंखार? मुझे तो कहीं कोई खूंखार नहीं दिख रहा। शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। परेशान मत हो, कौन हो तुम? बताओ ना, कौन हो? कहाँ से आई हो? तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो। मैं अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा और हम लोग खूब मजे करेंगे।
योर की कहाँ थी तुम? मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। मेरा बच्चा, कौन हो तुम? अरे तुम तो बहुत प्यारे हो, डरो नहीं, इधर आओ, इधर आओ, मैं कुछ नहीं करूंगी। शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम यहाँ के नहीं लगते, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ आ जाओ, तुम ठीक हो जाओगी। बस एक बार गाड़ी में बैठ जाओ। खड़ी होके देख क्या रही हो? मेरी मदद करो। मेरे साथ चलो, एक बार हम कैंप पहुंच जाएंगे, फिर तुम्हें बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगी। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मुझे मदद की जरूरत है। तुम्हें अच्छा लगेगा, चलो मेरे साथ, तुम्हें बहुत मजा आएगा। एक बार चलो तो सही। बचाओ मुझे, बचाओ। तुम्हें क्या लगता है उसे क्या हुआ होगा? देखो, तुमने देखा, उसे कुछ अनजाने लोग घसीटते हुए ले जा रहे हैं। तुम सही कह रही हो, विनर मुश्किल में है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। चलो छोटू, लगता है तुम जंगल में भटक गए हो। उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? एक बात तो पक्की है, अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो कोई नहीं करेगा। अरे तुमको ये कहाँ पर मिल गया? ये बहुत प्यारा है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। चलो अब इसे फिर से अपना घर मिल गया। चलो हमें विनर को बचाना है। रुको, नहीं तो वो हमें भी पकड़ लेंगी। मेरे साथ आओ, हम घर जा रहे हैं। बच्चे अब लेट जाओ, तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। ये तो शिकारी बंदूक है। ये लोग विनर को ऐसे नहीं ले जा सकते, हमें जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, हम उसके दोस्त हैं। चलो जूनियर, लाइफ पास मत आना, यह खतरा है। राजा को बता दो, मुझे इंसानों ने पकड़ रखा है। जाओ। मेरी बात मानो तो हमें इसको यही छोड़ देना चाहिए। यहाँ तो इसे शेर खा जाएगा। बिल्कुल नहीं, चलो बेबी, हम लोग घर जा रहे हैं। अपनी सवारी से कुत्ते के साथ वापसी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। प्लीज हनी। ओहो तो ठीक है, चलते हैं। क्या लगता है इसे कोई अजीब बीमारी है? नहीं, पर मुझे लगता है कि जरूर कुछ तो होने वाला है। पर क्या हो रहा है?
किसी को कुछ नहीं पता प्रोफेसर, पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा आपको बॉल मारने का कोई इरादा नहीं था। इन्होंने मुझे किडनैप कर लिया है, मदद करो। ये तो विनर था। लगता है विनर किसी मुसीबत में फंस गया है, हमें उसे बचाना होगा। विनर बिल्कुल मायूस हो जाता है जब भी वो बेचारा विनर, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है गवाने को। हमें विनर के बचाव के लिए जल्दी निकलना होगा। हमें उसे इंसानों के चुंगुल से जल्द आजाद करवाना होगा जो उसे लेकर गए हैं। हमें योजना बनानी होगी, कोई चाल चलनी होगी। ऐसा है तो हम यहाँ पर बैठे क्यों हैं? हमें जल्द ही विनर को बचाना होगा, जल्दी आओ चलो। ये सही कह रहा है। तुम लोग सब शांत हो जाओ, सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि वो है कहाँ। मैं सोचता हूँ, हो सकता है कि आर्बर को पता हो कि वो कहाँ है, मैं उससे पूछता हूँ। आर्बर? हाँ, मैं अभी उससे पूछ कर आता हूँ। जब तक मैं लौट कर आता हूँ तुम लोग मेरा यहीं इंतजार करो। मैं आर्बिटस के पीछे एयरपोर्ट रनवे से चलता आ रहा हूँ। तुम्हें क्या सूचना देनी है? मैंने उन्हें विनर को पिंजरे में डालते हुए देखा, उसके बाद उसे एयरप्लेन मिले गए। तब तो बहुत देर हो गई। आह बेचारा नन्ना विनर, वो लोग एयरपोर्ट पे थे क्या? जिस एयरप्लेन में विनर को ले गए वो टेक ऑफ हुआ क्या नहीं? जल्दी से जवाब दो। वो ट्रेल, जवाब दो मुझे, विनर के साथ कौन था? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मुझे कहीं जाना है, क्योंकि इस मशीन से बहुत तेज हवा आ रही है। बहुत अच्छे ट्रेल, पर मुझे इतना बताओ, क्या एयरप्लेन टेक ऑफ हो चुका है? हाँ सर, मैं उसे बादलों में गायब होते देख रहा हूँ, वो जा चुका है। तुम्हारे पास उनकी मंजिल जानने का कोई रास्ता है? जी, मैंने लाउड स्पीकर से आवाज अच्छी तरह सुनी थी, वो न्यूयॉर्क से थी। अरे नहीं, वो तो यहाँ से बहुत दूर समुंदर का दूसरा किनारा है। हम कभी भी विनर को इतने बड़े और अनजान शहर न्यूयॉर्क में कैसे ढूंढ पाएंगे? कैसे? हमें अब बहुत ही गहराई से विनर के बारे में सोचना होगा। Winner! Winner! Winner!
ये जानना जरूरी है कि आखिर वो विनर को लेकर कहाँ जा रहे हैं। कोई ना कोई रास्ता तो होगा। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आप सभी को मेरा प्यार और नमस्कार। बिम्बी और आर्बर, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। जैसे ही हमें विनर के बारे में खबर मिली, हम यहाँ आ गए। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमें ये जानना होगा कि वो उसको लेकर कहाँ जा रहे हैं। वो न्यूयॉर्क के रास्ते पर हैं। अभी हिम्मत हारने का समय नहीं है। हम सबको अभी उस शहर के लिए निकलना होगा। सिम्बा, जल्दी करो, जल्दी। मैं अभी चलने को तैयार हूँ, पर हम जाएंगे कैसे? अगर मैं लेके चलूंगा तो जल्दी पहुँच जाएंगे, और रास्ते में हम ये भी तय कर लेंगे कि हमें आगे करना क्या है। बहुत अच्छे, चलो चलें। चीची और पायरेट, पहले तुम अंदर जाओ। हम लोग बहुत खूबसूरत दुनिया देखने जा रहे हैं। तुम्हें माँ के पास रहना होगा बेटा। ओ माँ, मैं बड़ा और ताकतवर हूँ, आप मुझे जाने दो। हाँ बेटा, बिल्कुल तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम और तुम्हारे पिताजी दोनों चले गए तो इस राज्य की रक्षा कौन करेगा? जनरल, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे राज्य और मेरे परिवार की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी, ध्यान रखना। आप निराश नहीं होंगे सर, हम आपकी वापसी का बेसब्री से इंतजार करेंगे। तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया जनरल। सबसे पहले कुत्ते के पिंजरे को बाहर निकालो। तुमने सही कहा, अभी निकालता हूँ इसे। लकड़ी का पिंजरा पहले। ठीक है, आओ चलो। अरे अंदर क्या हो रहा है? उसने मेरे हाथ पर काट लिया, अभी सबक सिखाता हूँ तुम्हें। उसे रोको, वो भाग रहा है। चलो वापस आओ, वापस आओ। मेरे सूत्रों से पता चला है कि वो कहीं गहरे गड्ढे में देखा गया है, तो वो शायद जमीन के अंदर कहीं होगा, पर वो किसी भी हाल में सुरक्षित नहीं है। प्रोफेसर, ज्यादा चिंता मत कीजिए, बड़े शहर की जमीनों के नीचे ज्यादा सुरक्षा होती है, खासकर सर्दियों में वराना अच्छा होता है। एक बात तो सही है, जमीन के अंदर का मौसम बहुत अच्छा और ठंडा होता है। मेरे पास यहाँ जमीन के नीचे का नक्शा है, ये है मैनहट्टन, ये सबवेज और ये सीवर्स, और ये पूरे शहर में मीलों मीलों तक फैली हुई सुरंगें। इसको सब पता है। क्यों नहीं, वो एक प्रोफेसर है। मुझे विश्वास है कि हम ढूंढ लेंगे।
मुझे पार्क में रहने वाले यहाँ के कुछ उल्लुओं से बहुत जरूरी सूचना मिली है। तो बताओ। रात को उस जगह पर गश्त होती है। पुलिस निगरानी करती है और अगर हम पकड़े गए तो हमें विनर को बचाने का ख्याल छोड़ना होगा। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो हमें देख ना सके। छुपने की जगह पर कहाँ? जब मैं उस पेड़ के ऊपर बैठा था तो मैंने वहाँ से सड़क पर एक कटर देखा था। अगर हम किसी भी तरह से उसके अंदर छिप जाए तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। चलो कटर के अंदर चलो, चलो, चलो। अगर हम लोग एक साथ जाएंगे तो वो हमें देख लेंगे। तो हमें कोई योजना बनानी होगी। बिल्कुल, हम छोटी छोटी टुकड़ियों में रोड के उस तरफ जाएंगे, उसमें जाकर छिपेंगे और शांति से रहेंगे। बहुत बढ़िया, फ्लैश जीनियस और मैं पहले जाते हैं, लेपर्ड और बिम्बी दूसरी टुकड़ी में, और उसके बाद बाकी सारे। और हमें क्या करना है सिम्बा, बताओ? हाँ, हम दोनों किसके साथ हैं? तुम दोनों प्रोफेसर के साथ रहोगे और हमारे लिए खबरी का काम करोगे। चुप रहो शैतान कहीं की। सुनो, मैं आगे जाके देखता हूँ कि रास्ता साफ है कि नहीं, यही इंतजार करो। अरे ये क्या? अरे मुझे डर लग रहा है, मामा जंगली जानवर है, मैंने शेर देखा और भी कई तरह के खतरनाक जानवर है, छोड़ो नहीं जाते हैं, रहने देते हैं। मत करो, चलो सब ठीक है, चलो जल्दी करो। हम यहाँ पर हैं, इस इलाके का नाम सेंट्रल पार्क है। अब हमें एयरपोर्ट तक पहुँचना है क्योंकि उसी जगह से विनर जमीन के नीचे गया था, तो हमें भी बिल्कुल वैसा ही करना होगा। हम सबको उस कटर से ही वहां तक पहुंचना है विनर की तलाश के लिए। अंदर ही नहीं जा रहे हो। मेरी बात सुनो फ्लैश, देखो मुझे नहीं पता कि कैसे, पर तुम्हें उस कार को रोकना होगा। तुम तो मुझे पहले से दुगने नजर आ रहे हो, देखो अपने आप को। क्या तुम्हें मैं बड़ा लग रहा हूँ? ये तो मुझसे छोटा दिख रहा है। हम लोग छोटे, ये क्या कह रहे हो? क्या हम जादुई घेरे में हैं? नहीं, लगता है मैंने मेडल के साथ कोई गड़बड़ कर दी है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मुझे माफ करने की जरूरत नहीं, तुमने सही किया। इधर लाओ, इधर। वाह,
इधर से लेके आओ, एक और ग्लास ले आओ, ये थोड़ा और गर्म कर दो। ये कौन है, ये क्या लाए तुम? पहला जाम सबके नाम। आपकी अटेंशन चाहूंगा, हमें FTR यानी फ्री ट्रैश रेडियो पर एक जरूरी खबर के कारण ये प्रोग्राम रोकना पड़ रहा है। आपके लिए एक खास खबर है जो किसी के लिए अच्छी तो किसी के लिए बुरी हो सकती है। डॉग टेल्स के इलाके में गैंग वॉर हो गई है जिसमें डॉग टेल्स वालों को मुंह की खानी पड़ी है। डॉग टेल इसी लायक है, इसी लायक। आज ऐसे माहौल में खुलकर हंस रहे हो, पर याद रहे आज डॉग टेल्स की हार हुई है, हो सकता है कि कल तुम हारो। ये न्यूयॉर्क में रहने वाले सभी चूहों के लिए चेतावनी है जो किसी भी कोने, खिड़कियों या नाले में छिपे हैं। जिस गुट ने डॉग टेल को इतनी आसानी से मात दी है और उन सबको अफ्रीका के जंगलों से मार भगाया, उनका बहुत ताकतवर गुट बनना तय हो गया है जो कि अंडरवर्ल्ड के किसी भी बड़े से बड़े गुट से लड़ सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सारे गुटों के लीडर विचार विमर्श करने के लिए निकल चुके हैं। वो वन आइस से जानना चाहते हैं। मुझे बिल्लियों से नफरत है। ये बदतमीज रेडियो वाली बिल्ली चूहों के मामले में कोई भी मौका नहीं खोती। एक दिन मैं इसे सबक सिखा के रहूंगा। आज नालों में बहुत भयानक लड़ाई होने वाली है। उसे जाने मत दो बॉस, अभी तो रात जवां है। ये सुनो, चलो रॉक एंड रोल करते हैं। सही कहा, रॉक एंड रोल। रेडलैंड के सारे सुनने वालों, अपनी पूंछ पकड़ लो। आज तक की सबसे बड़ी लड़ाई यहाँ नीचे नालों में जारी है। एक तरफ है बेसबॉल, रोलर्स, ब्लेडर्स और डॉक्टर्स, और दूसरी तरफ है जंगल से आए हुए जंगली घुसपैठिए। और अब आप अपना पसंदीदा संगीत अपने FTR पर सुनते रहिए। ये संदेश मेरे जंगल से आए दोस्तों के लिए है। सावधान रहिए, सारे गुटों के चूहे तुम्हारे खिलाफ एक हो गए हैं। भूलिए मत, आप लोगों ने सबसे अत्याचारी और कभी न माफ करने वाले चूहों को चुनौती दी है। उनका प्लान तैयार है, वो आप लोगों को किसी भी हद तक परेशान करेंगे और आपका रास्ता रोकेंगे। आप लोगों को अपनी हिफाजत करनी होगी वरना वो तुम्हें। हमने किसी को चुनौती नहीं दी, हम तो यहाँ विनर को ढूंढने आए हैं। कुछ भी नहीं होगा, हम शांति के मिशन पे हैं। न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड में तुम्हारा स्वागत है जंगली जानवरों। तुम लोगों को वही बनाना लैंड में रुकना चाहिए। काम शुरू करो नेट लॉन्चर्स। Oh!
तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो बेवकूफ? मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, जाओ उन्हें कुचल दो अभी। हाँ सर, कुचल दो उन्हें अभी। ये बेवकूफ किसे कहा? जाओ और उन लोगों से निपटो और हार के मत आना, और हार गए तो मुझे अपना मुंह मत दिखाना, यही मेरे आदेश है, समझे? यस सर। ठीक है। वो गुफा में हमारे पीछे आ रहे हैं। बिम्बो, इसे अपने किरणों से जला दो। मुझसे नहीं हो रहा। मैं कोशिश करके देखता हूं। चलो हमला। हम उन्हें कैसे बचाएंगे आर्बर? उन्होंने मुझसे सलाह क्यों नहीं ली कि कैसे विनर को बचा सकते हैं? ये सही कह रहे हैं। हालात कैसे भी हो, बच्चों को अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। ये जंगल का सबसे पहला कानून है, समझ गए ना बच्चों? किसने ना इज्जत करने की बात की, हम लोग तो बस चिंतित हो रहे हैं। आप क्या करते अगर आप अपने पिता को पिंजरे में देखते? बताइए। हाँ, 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 बताइए बताइए हमें बताइए ना। इधर आओ सिम्बा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं आपको यहाँ ये दिखाने लाया था कि न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है और इसके लिए क्या करना चाहिए, पर आप तो यहाँ आकर अपने बड़ों की गलतियाँ निकालने लगे। तुम सही कह रहे हो आर्बर, हम समझ नहीं पा रहे कि हम उन्हें कैसे बचाएंगे। प्लीज आर्बर, मैं अपने पिता की मदद करने के लिए कुछ ना कुछ तो करूंगा। फ्लैश, अंकल बिम्बो, पैरेट रैट्स, हम उन्हें वहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा हम माफी चाहते हैं। मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा, लेकिन इन चीजों में वक्त लगता है, जैसे पेड़ को बढ़ने में वक्त लगता है। तुम ये क्या कह रहे हो? हमें कुछ तो करना होगा। देखो ना, और अब आप कह रहे हैं कि आपको ये सोचना होगा। अगर आप हमें आइडिया दोगे तो हम बाकी सब कुछ कर लेंगे। ज्यादा परेशान मत करो, देखो कुछ सोच रहे हैं। हमारे पास वक्त नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास छोड़कर बचाव का रास्ता निकालता हूँ। फिक्र मत करो लियोपोल्ड, मैं अपने फ्रेंड्स को कभी हिप्नोटाइज नहीं करती। ठीक है, सुनो, शांत हो जाओ। तुम्हें यहाँ आए बहुत वक्त हो गया है, अब घर चलते हैं, तुम्हारी माएं चिंता कर रही होंगी। आपको एतराज तो नहीं होगा अगर जीनियस हम सबको घुमाने ले जाए? हम गुम नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक, जनरल फाकोशर खबर कर दो कि बच्चे मेरे साथ हैं और जल्दी लौट आएंगे। यस सर, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। अब हम वो करते हैं जो हमने सोचा था। अगर सरकार आर्बर को कोई आपत्ति ना हो तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या इजाजत है? तुम्हें इससे ऊंचा बोलना पड़ेगा क्योंकि तेज हवा के कारण मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। माफ करना, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जरा नजदीक आओ। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है?
मुझे बताया गया है कि आपके पेट में एक खास जगह है जिसके अंदर आपने जादुई शक्तियाँ छुपा रखी हैं। जादुई शक्तियाँ? हाँ बिल्कुल, खास जगह पर। हाँ बहुत ही मजेदार, पर वो सिर्फ सिम्बा के परिवार वाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है जूनियर और उसकी बहन खुद को अदृश्य करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम सिम्बा के परिवार के इससे ज्यादा नजदीक नहीं जा सकते। हाँ वो कर सकते हैं। और बढ़ाइपो की बातों में वाह। अगर बुरा ना मानो तो एक बात बोलो। जो भी तुम चाहो बस बोलो। अगर कोई एतराज ना हो तो दरवाजा खोल दो। कोई बात नहीं। और हमें न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क में ले चलो, क्या तुम ये मेरे लिए कर सकते हो? मैं कुछ भी करूँगा। गुड, मैं जल्दी ही तैयार होकर आती हूँ। कामयाब हुए। क्या मुसीबत है, मुझे हाँ नहीं करना चाहिए था, पर एक ओक ट्री अपनी जुबान से पलट नहीं सकता। चलो आओ। उस पर अभी भी मेरा असर है, वो वही करेगा जो मैं कहूँगी, पर ये हमेशा के लिए नहीं है, इसलिए हमारे पास वक्त नहीं है। ओह, हमें यहाँ थोड़ी रोशनी चाहिए। अब मैं वो जादुई दरवाजा खोलना चाहती हूँ। वो रही जादुई शक्ति जूनियर, उधर ऊपर जाओ। वो तो अदृश्य हो गया। ये तो गायब हो गया। अभी एक मिनट पहले वो वहीं था। उसका किडनैप हो गया होगा। ये कैसे किया? वो वहां पर क्या है? हमें किस तरफ जाना चाहिए? यहाँ तो कई रास्ते हैं। यहाँ देखो, ये पक्के निशान है कि पिताजी और सब इस तरफ आए थे। देखो ये मुझे कैनरी के पंख के जैसा लग रहा है। वो कितनी होशियार है, उसने हमारे लिए ये निशानी छोड़ी है। चलो। न्यूयॉर्क के गटरों में आपका स्वागत है। ये बिल्कुल वैसे ही मशहूर है जैसे सबवे स्टेशन। हाँ हाँ मेरे जंगलों के दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं अपना परिचय देता हूँ,
मैं कैस्पर आपसे बात कर रहा हूँ और मैं अकेला ही उन गुटों के खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ जो हमारे नेचर को खराब कर रहे हैं। तुम लोगों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और तुम्हारी मदद मेरे लिए कारगर साबित होगी। हाँ? मेरी इस बात को गौर से सुनो दोस्तों। हाँ? देखो हाँ? जरा इसे सुनो दोस्तों, बहुत ही जल्द तुम्हारा सामना उन गुटों से होने वाला है, पर डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें जैसा बोलता हूँ वैसा करते जाओ, मुझे लगता है तुम सबको इस बात का बहुत फायदा होगा। कौन हो तुम और तुम्हारी आवाज कहाँ से आ रही है? बड़ा अजीब है, इसको सब पता है। क्या ये हमारी मदद करेगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम किससे बात कर रहे हो? तुमसे। सच में? क्या तुम मुझे देख सकती हो? बिल्कुल देख सकती हूँ। तुम पहली जीवित प्राणी हो जो मुझे देख सकती हो। तुम्हारी आवाज भी सुनी हुई लग रही है। कहाँ सुनी थी? मुझे पता है, लाउडस्पीकर से। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे पिताजी को ढूंढना है प्लीज। तुम बहुत ही प्यारी बच्ची हो। सब लोग यहाँ आओ जल्दी। जल्दी आओ लाइट। आखिर ये सब हुआ कैसे? ये सब उस शरारती कैट की गलती है। तो ठीक है, जो भी हो तुम सामने आके मुकाबला करो। तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो सामने आओ और ईमानदारी से लड़ो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूयॉर्क बहुत जल्दी हमारा होगा। कहीं ये सारा काम उस बिल्ले का तो नहीं है हुजूर? ये बात तुमने सही कही, सोचना होगा, ये सब उसी की कारस्तानी है। हमें वनाई को बात करने के लिए बुलाना पड़ेगा, उसे पता है तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं। ठीक है गैस्पर। पर कैसे? कौन है यहाँ पर? मैंने आवाज सुनी है, ये जरूर ट्रैश कैट है। तुम सब जाकर ढूंढो उसे फौरन। मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। हमें प्लान आगे बढ़ाना होगा। पकड़ो उसे।
छोड़ना मत। अरे क्या मामला है, तुम लोग छोटे से बच्चे डरते हो? जाओ पकड़ो उसे अभी। कैद में रखे मेरे सारे साथियों को अभी के अभी छोड़ दो, ये मेरा हुक्म है। हम न्यूयॉर्क के सीवर में हैं, जंगल में नहीं, और मैं यहाँ बॉस हूँ। चुप और मुझे ले चलो वहाँ। गुस्सा मत करो बच्चे। तुम्हें नहीं लगता हमें तुम्हारे साथ चलना चाहिए? तुम मानते क्यों नहीं? तुमने उन पर गुस्सा करके ठीक नहीं किया। नहीं, 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 नहीं। क्या ये सब तुम्हारे साथ ही है? अब तुम हमें हमारे माँ बाप के पास ले जाओगे? अच्छा तुम्हें पता तुम किससे बात कर रहे हो? मुझे विश्वास है कि ये हमें वहाँ जरूर ले जाएगा। क्यों? हाँ? अब हमें इसे हाइपो के हवाले कर देना चाहिए। तुम्हारी हवाले? सुनो तुम। एक आंख वालों के साथ में काम नहीं करती हूँ, इसमें थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगेगा। तुमने अपनी एक आंख कैसे खोई? दुश्मन गुट के साथ सड़क की लड़ाई में। और तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। ये क्या अजीब सा हमारे चारों तरफ चल रहा है, सही बताओ, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी पी के बहक गए हो, सारा मजा खराब कर दिया तुमने। ये तो बहुत मजेदार है। थोड़ी थोड़ी और हो जाए तो मजा आ जाए। लाइट, मैंने तुम्हारी जीत की खुशी पर थोड़ा सा संगीत बजाया है। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। ओह हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया, शुक्रिया कैस्पर, लेकिन मुझे बस अपने पिताजी को ढूंढना है, उन्हें आजाद करना है। अरे लाइट, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। तुम क्या कह रहे हो कैस्पर? सबसे जरूरी बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया लाइट, तुम्हें यकीन नहीं होगा, उन सबको आजाद कर दिया गया है लाइट, वो सब आजाद हैं। ओह तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कैस्पर, तुमने इतनी अच्छी खबर सुनाई, शुक्रिया। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, क्या सच में? हमारे माँ बाप को आजाद कर दिया गया है, चीची ने शेक्सपियर की कहानी सुनाकर राइट्स को रुला दिया, हमारे माँ बाप ने जो किया उससे उनकी सोच ठिकाने आ गई। ये सब कुछ बिल्कुल सच है। लाइट, क्या तुम ठीक हो? और ये तुम किससे बात कर रही हो, और ये तुम्हें किसने बताया? ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। मुझे ये पता करने के लिए कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ जीनियस। शायद वो शेक्सपियर से बात करता होगा, जो किसी को दिखाई नहीं देता। शेक्सपियर एक मशहूर कवि और लेखक था, वो कई सौ साल पहले मर चुका है, और वो एक इंसान था। ये मुझे कैसे नहीं पता? और क्योंकि वो बहुत खूबसूरत कविता लिखता था, तो चीची ने वही कविता सुनाई और पत्थर दिल चूहों का दिल निकल गया। इसीलिए उन्होंने जेल के दरवाजे खोल दिए और हमारे माँ बाप को आजाद किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, और लाइट तुमने ये किससे सुना? कैस्पर से? जीनियस, तुम कैस्पर के बारे में जानते हो? क्या तुम्हें वो दिखाई दे रहा है?
मुझे कुछ पता करने के लिए देखना नहीं पड़ता है क्योंकि मैं पैदाइशी जीनियस हूँ। अगर वो होशियार है तो वो होशियार है, चाहे वो कोई भी मामला हो। मैं तो पैदाइशी होशियार हूँ। हमें उन जंगलियों से छुटकारा पाना होगा, नहीं तो वो हमारे यहाँ की सारी अच्छी चीजें खराब कर देंगे। चलो चलो इस काम में लग जाओ। इन जंगलियों को यहां से निकाल दो, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी। आगे बढ़ो। Flash! पीछे हो जाओ, चलो। बचाओ, हमें यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा, नहीं तो हम फंस जाएंगे या उससे भी बुरा हो सकता है। हाँ, सही सही कहा तुमने, सही कहा। हम लोग जाकर देखते हैं, तुम उन्हें। क्या ये तुम हो? धड़कने संभाल लो दोस्तों, एक अच्छा दोस्त तुम्हारी मदद के लिए आया है। शुक्रिया कैस्पर, शुक्रिया। जल्दी करो, मैं कहती हूँ जल्दी करो, और तेज। और तुम बेकार हो, अगर तुम लोग इससे ज्यादा तेज नहीं आ सकते थे तो तुम्हें पीछे ही रहना चाहिए था। अरे जल्दी करो, अरे क्या कर रहे हो? मेरे पास इतना समय नहीं है। हम दुगनी ताकत से उन पे हमला करेंगे। तुम लोग उस तरफ से ऊपर जाओ, तुम्हारे बच्चे वहाँ हैं। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। शुक्रिया तुम्हारी बड़ी सलाह के लिए दोस्त सिम्बा बिम्बी। हमें यहाँ से निकलना होगा, सारे बच्चे ऊपर उस सुरंग में हैं। कैस्पर ने मुझे अभी बताया है। हमारे बच्चे तो जंगल में थे। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन वो तो हमारी बस एक गलत फहमी थी। हाँ, सच तो ये है कि वो यहाँ पर न्यूयॉर्क की जमीन पर हैं। पर कैसे? हार्बर के जरिए, वही एक रास्ता है उनके यहाँ तक आने का, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा उसने उन्हें इजाजत कैसे दी। सिम्बा, वो अभी बच्चे हैं। प्रोफेसर,
ओ, ये तो बहुत अच्छा है। सिम्बा, 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 हमने कर दिखाया, हमें दूसरा रास्ता मिल गया है, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया काम किया। हर दिन औरतों का होता है, जो दिल मेरे साथ होता है मैं उनकी मर्जी पे चलता हूँ और अपनी किस्मत पर इतराता हूँ। जब वो मुसीबत में मेरे पास आती हैं तो मैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाता हूँ और उनके मुस्कुराने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता हूँ। हर दिन औरतों का होता है, जो दिन मेरे साथ होता है मैं उनकी मर्जी पर चलता हूँ और अपनी खुशकिस्मती पर इतराता हूँ। मैंने कहा हेलो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मार्क एंथनी जूलियस फॉक्स है और मैं साहसी हूँ। और तुम क्या हो बताओ? मैं लाइट हूँ। चित्र लाइट, भगवान की दी हुई एक सुनहरी सौगात। हमको इससे ज्यादा और क्या चाहिए इस फरेबी दुनिया में? एक खूबसूरत परी जो हमारी जिंदगी में रोशनी भर देती है। और आप यहाँ क्या करने आए हैं मिस्टर फॉक्स? हाँ देखो बच्चों, बस मजे करो। ओके, तुम बस हमारे लिए काम करोगे, सही है ना स्वीट हार्ट? करोगे ना? तुम यहाँ अकेले हो और तुम्हें वही करना चाहिए जो मैं तुमसे कहूँगा, समझे? ओह मिस्टर फॉक्स, आप क्या काम करते हैं? तुम यहाँ पे ऐसे चले आए जैसे पता नहीं कि क्या? माफ करना पर ये बहुत प्यारी है। लाइट एक राजकुमारी है। क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों? मुझे पता चल गया था कि ये कोई राजकुमारी है जैसे ही मैंने इसे देखा था, पर तुम आसानी से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। क्या तुम जानते हो ये सच में इसका भाई है? क्या तुम ये भी जानते हो कि कुछ जंगली जानवर खो गए हैं और तुम बिल्कुल वैसे दिखते हो जिन्हें यहाँ इस गटर में आए हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है? क्या आपने मेरे पिताजी को देखा है? मैंने अपनी इन्हीं प्यारी आंखों से देखा है प्यारी राजकुमारी। हमें भी मिलना है। तुम लोगों की इतनी बेसब्री और विश्वास को देखकर ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मुझे तुम्हारे पैरों में थोड़ी जगह मिल जाए। आप ये क्या कह रहे हैं मिस्टर फॉक्स? आपके शाही फरमान का इंतजार राजकुमारी। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं राजकुमारी, नहीं तो मेरी जिंदगी बेकार है, तेरा क्या नुकसान हो जाएगा मेरे भाई, है ना राजकुमारी? आज से मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए कुर्बान है राजकुमारी। वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। आखिरकार हम पहुंच ही गए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं तुम्हें यहाँ ले आया। हम आपके आभारी रहेंगे। ये बस एक लाइट की परछाई है जो कि राजकुमारी के नाम के जैसी है, एकदम खूब। आप सचमुच बहुत समझदार हैं मिस्टर फॉक्स। प्रोफेसर आप कैसे हैं? मेरे पिताजी कैसे हैं? छोटी शैतानी, तुम्हारे पास इस बात का कोई तो जवाब होगा। हे प्रोफेसर, देखो यहाँ कौन है। अरे तुम सब यहाँ कैसे? मेरे बच्चे, प्रोफेसर आप कैसे हैं? हमारे पिताजी कैसे हैं? हमने आपको कितना ढूंढा। मैं तुमको
को बताता हूँ बदमाशों, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। बस ये बताओ, तुम लोगों को यहाँ आने की सलाह किसने दी? हमें अपने माता पिता की बहुत फिक्र हो रही थी। फिक्र? कैसी फिक्र? मुझे लगा उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। हम भी तो काफी होशियार हैं। वो हमारे माँ बाप हैं और हमें उनसे बहुत प्यार है। आखिरकार वो बूढ़े हैं। तुमने मेरी पीढ़ी को बूढ़ा कहा? बच्चों। ओह। पिताजी, कहाँ थे आप? कैसे हैं पिताजी आप? देखो। आप कैसे हैं? क्यों सही जा रही हूँ? मैं आपका बहुत याद किया। ओ पिताजी। हमने आपको ये कौन है? ये हमारे एक अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने हमारी रक्षा की। इन्होंने हमारी बहुत मदद की। इनका नाम है मिस्टर फॉक्स। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई महाराज। मिलके अच्छा लगा। कितना अजीब इत्तेफाक है। मेरे पास आपके लिए एक संदेश है महाराज। हाँ? इन्हें सब कुछ पता है। यहाँ नीचे एक पेड़ है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। वो और कोई नहीं हो सकता, आर्बर होगा। ए, वो आर्बर है। चलो चलकर सुनते हैं वो क्या कहना चाहता है। सिम्बा, टाइगर आपकी जगह लेना चाहता है आपकी गैर मौजूदगी में। कुछ तो करना ही होगा उसके इरादों को कुचलने के लिए और अपनी राजगद्दी बचाने के लिए। आप जल्दी से वापस चलिए और अपनी गद्दी संभालिए। अगर वो मिल जाए तो मैं उसको सबक सिखा दूँ। उसको इसकी इस हरकत के लिए बिल्कुल भी बख्शना नहीं चाहिए। और हम विनर की खोज को यूं ही बंद नहीं कर सकते, क्या मुसीबत है? हम कैसे इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं दोस्तों? मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, किसी के पास कुछ सुझाव है? मेरे पास कुछ है। अरे दोस्तों, वही तो है जो होता है। वो क्या है मेरे बच्चे, जल्दी से बताओ। मैं कहना चाहता हूँ लेकिन मेरे कहने से पहले ही सब लोग हंसने लग जाते हैं। कोई तुम पर नहीं हंस रहा मेरे बेटे। इतना शर्माओ मत, सब तुम्हें सुनना चाहते हैं, मेरे कान भी। पर तुम्हारे पास तो कान ही नहीं है। ये सब कहने का एक तरीका है। तुम्हारा क्या आइडिया है, तुम बताओगे जीनियस? मुझे लगता है बड़े लोग टाइगर को सबक सिखाने के लिए जंगल वापस चले जाए और हम बच्चे, अगर आपकी इजाज़त हो तो यहाँ रुककर विनर को ढूंढे। इससे दोनों ही काम हो जाएंगे। तो कैसा लगा आपको मेरे इस जीनियस दिमाग का आइडिया? मैं सहमत नहीं हूँ बच्चों को ऐसी अनजान जगह पर छोड़ने के लिए। इसे अभी और इसी वक्त अपने दिमाग से निकाल दूँ, ये नामुमकिन है। बच्चों ने न्यूयॉर्क आके और हमें ढूंढ के अपना लोहा मनवा लिया। जीनियस जूनियर के प्लान से हम विनर और जंगल दोनों को बचा लेंगे, है ना? मैं इनकी सुरक्षा करूंगा। हमारे रहते इन्हें कोई खतरा नहीं होगा। मुसीबत और इन पर, ये तो खुद एक मुसीबत है। हे भगवान। माफी चाहूंगा पर मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। सिम्बा की इजाजत मिलनी जरूरी है। तब तो ये तय है, अपनी इजाजत मत देना। बच्चे सही कह रहे हैं सिम्बा, उन्होंने साबित कर दिखाया कि वो कितने काबिल हैं। उन्होंने दिखा दिया कि वो सब कुछ कर सकते हैं। जिस तरह से वो बहादुरी के साथ यहाँ आए और तुमको ढूंढ लिया, वो विनर को भी ढूंढ सकते हैं। आपकी जरूरत ज्यादा जंगल में है, ये सब यहाँ संभाल लेंगे। काश मुझे पता होता कि इस स्थिति में क्या सही होगा। बस अब और मत सोचो सिम्बा, फैसला लो। वो विनर को ढूंढ लेंगे, विश्वास करो उनका। आर्बर ने जो कहा उसके बारे में तुम्हारी राय क्या है? मैं इस बात से सहमत हूँ और मुझे कोई आशंका भी नहीं। अगर आप सहमत हैं तो सारे बड़े सेंट्रल पार्क में आ जाएं और मैं आपको वापस ले चलता हूँ। बहुत बढ़िया, समझदारी वाला फैसला। अब जल्दी कीजिए।
कमाल है, बूढ़ों को बाहर करके जवानों को मामला सौंप दिया। बहस अभी नहीं, हम सेंट्रल पार्क कैसे जाएंगे? हाँ सही कहा। ये तो मैं आसानी से सुलझा लूंगा महाराज, अगर आप मुझे अपना गाइड बनने की इजाजत दे तो। मैं यहाँ के सारे रास्ते जानता हूँ, मैं आपको पहुँचा दूंगा। मिस्टर फॉक्स, आप हमारा तहे दिल से शुक्रिया कबूल करें आपकी सारी मदद के लिए। आपकी खिदमत तो मेरा सौभाग्य है महाराज, जब आप कहें महाराज। फॉक्स तुम सच कह रहे हो ना? हो सकता है लोग मुझे ऐसा वैसा समझते हो, पर मैं जहाँ भी जाता हूँ किसी का विश्वास नहीं तोड़ता। चाँद की लंबी उम्र हो, सूरज की लंबी उम्र हो, जंगल की लंबी उम्र हो, जिंदगी में खुशियाँ हो। चाँद की लंबी उम्र हो, सूरज की लंबी उम्र हो, जंगल की लंबी उम्र हो, जिंदगी में खुशियाँ हो। तुम्हारे उस दोस्त कैस्पर का क्या हुआ? ओह उसे तो मैं भूल ही गई। उसे यहाँ के सारे रास्ते पता है, वो हमारी मदद कर सकता था। वो अचानक से आता है और चला जाता है। सब कुछ कैसा है बच्चों? हाँ? मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं तुम्हें देख रहा था। वैसे सच बोलूं तो पूरी तरह से नहीं, पर मुझे खुशी है कि मैं गलत थी। जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं कहता वो बिल्कुल नहीं करता। मैं तुम्हारे माता पिता को सेंट्रल पार्क लेकर गया और वहाँ से जितनी जल्दी हो सका वापस लौट आया। सब नौकरी का हिस्सा है, इसका अलग से कोई मेहनताना नहीं। आपने हमको ढूंढा कैसे? बस उस रैकेट की आवाज के पीछे चलता रहा, जो आवाज गुस्से से भरी किसी ड्रैगन मक्खी की तरह थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बात पर इतना गुस्सा कर रही हो, तुम्हारी समस्या क्या है? टाइगर को हर हाल में रोकना होगा। फिक्र मत करो सिम्बा, उसे संभाल लेगा। उसके लिए मैं यहाँ आ गया। हाँ सिम्बा। मेरे चारों तरफ पागलों की फौज है, इतनी बड़ी फौज रखने का फायदा जब वो मेरा सपना पूरा करने में नाकामयाब है। मेरे राजा होने का क्या फायदा जबकि मेरी सेना दुश्मनों का मुकाबला तक नहीं कर सकती। अरे चीफ, आपको बस एक इशारा करना है और सब वही करेंगे जो आप चाहते हैं। मुझे इन सब पर कोई भरोसा नहीं रहा। चीफ आप जितने काबिल हैं उतने काबिल सब कैसे हो सकते हैं? लेकिन वो सब आपका आदेश मानते हैं, ये बात मायने रखती है। तो तुम कहना चाहते हो कि मुझे बस इशारा करना है और सब वैसा ही होगा जैसा मैं चाहता हूँ? चीफ गुस्सा मत करिए। तुम भी बस एक तलवे चाटने वाले चमचे हो बाकी सब की तरह। अब मुझे बस एक ही चीज करनी है कि अपनी इस बेवकूफ सेना से किसी भी तरह से पीछा छुड़ाना है। और तुम्हें अंदाजा है कि सबसे पहला नंबर किसका लगने वाला है? बचाओ, माफ कर दो चीफ। वापस आ गए। बेवकूफ कहीं का, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो वापस आ गए। हाँ वो वापस आ गए। कौन वापस आ गया है बेवकूफ? चीफ सिम्बा। चीफ सिम्बा अपने गुट के साथ वापस आ गया है। सिम्बा हम संभालते महाराज। सुनो लाइक, मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने दोस्त को खोजने के लिए कहाँ जाना चाहिए। कैस्पर, क्या सच में तुम्हें पता है? जितना टाइगर के बारे में पता कर सके उतना अच्छा होगा। क्यों आर्बर? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए सब कुछ पता कर लूंगा। मेरे जासूस पूरे जंगल में फैले। शुक्रिया आर्बर, तुम ही सच्चे दोस्त हो। कैस्पर, क्या तुम ये हमारे लिए करोगे? अगर तुम्हारे पिता की जादुई शक्ति मुझ पर पड़ जाती तो मैं आसानी से सबको दिखने लगता। ओह
मुझे अभी याद आया कि वो सब जंगल वापस जा चुके हैं। हाँ ये सही है, लेकिन जूनियर और बिम्बा के पास भी कमाल की शक्ति है। चलो उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं दीवार के उस पार जाता हूँ जहाँ से फायरिंग स्कोर। ठीक है। सीधा मेरे सीने पर आएगी। मैं सही था, एक बिल्ली हुआ करती थी जिसको मैं पकड़ नहीं पाया और ना पकड़ पाऊंगा। कुछ लोग जन्म से ही बदकिस्मत होते हैं। जूनियर और बिम्बा मेरे साथ आओ। किस लिए? बड़ा मजा आएगा, जल्दी आओ। आओ ना। अब थोड़े अच्छे बनो और नॉर्थ स्टार की शक्ति उस तरफ चलाओ, वहाँ पर जहाँ टूटी हुई ईंट दिखाई दे रही है, छत के पास ऊपर। ये बहुत अच्छा रहेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम करो ना। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो कर लेता हूँ। मैं बता नहीं सकता कि मैं तुम्हारा कितना एहसान मंद हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। हेलो मेरे नए दोस्तों, हेलो। ये तो कमाल हो गया। और अब अगर मैं इस खिलाड़ी को बीच मैदान में यहाँ पे रखूँ तो हम ये खेल जीत सकते हैं। हाय। और फिर दोनों खिलाड़ी इधर से गोल की तरफ बढ़ेंगे, इससे काम बन जाएगा। अब ध्यान से देखना, चूहों का पहला गुट इस सीमा के आसपास होगा, समझ गए? और अब ये देखो, चूहों के दूसरे गुट की सीमा यहाँ इसके बाद से शुरू होती है। सब समझ गए मैंने क्या कहा? हाँ। उनकी सबसे कमजोर जगह कौन सी? तो अब तुम्हें सब पता है ना? ओह नहीं 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 नहीं, ये मेरे हद के बाहर है। तुम क्या कहना चाहते हो? मेरी अपनी सीमाएं हैं और मैं उनसे बाहर नहीं जा सकता, और हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है। कैस्पर, क्या तुम ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि विनर तुम्हारी हद से बाहर है? ये बहुत अच्छा आइडिया है सिम्बा। बहुत ही अच्छा सोचा है सिम्बा, मुबारक हो सिम्बा। पर क्या हमारा दोस्त ये खतरनाक काम करने को तैयार है? तुम्हें ये सब पूछने की जरूरत नहीं थी, ये मेरी बेइज्जती है। क्रो, मैं चाहता हूँ कि तुम और आर्बर मिलकर दुश्मनों पे नजर रखो। काम हो जाएगा सिम्बा। रुको जरा, कोई खबर आ रही है, एक सेकंड। तुम हमें क्या बता रहे हो आर्बर? टाइगर और उसके साथी कल नदी के किनारे मिलने वाले हैं। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ। मुझे पता था, हमें सैनिकों को तैनात कर देना चाहिए था। उसने पहले ही कर दिए। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ये हमारी योजना के हिसाब से बिल्कुल सही है। क्या सिम्बा पागल हो गया? या तो वो पागल हो गया या फिर हम सब। हाँ, हम उनकी मीटिंग का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि जब वो इकट्ठा हो तो हम उन पे हमला कर दें? उनकी मीटिंग की जगह चारों तरफ से सुरक्षा से घिरी होगी सिम्बो। वो अच्छी जगह है पर उसकी मीटिंग के लिए नहीं। वो अच्छी जगह है जहाँ हम अपना जाल बिछा सकते हैं। मुझे यकीन है कि वो उसमें जरूर फंस जाएगा। खैर। हमें सिम्बा पर पूरा विश्वास है। तो ठीक है, चलो चलते हैं। क्या सोचा है तुमने और कैसे करना है? बातें कम, काम ज्यादा। हाँ?
वो देखो हमारे महाराज आ रहे हैं। प्लान थ्री। अब बढ़िया दिन है ना चीफ। चुप रहो। चलो। चलिए यहाँ से निकलते। काम बन गया। कहाँ फंस गए? बचाओ बचाओ मुझे। तुम हमेशा शहीदों के बाद मतलब ये अत्याचारी रहे हो टाइगर, सही कहा ना? नहीं, मैं तो बहुत भोला भाला सीधा साधा बच्चा हूँ। तुम दोनों एक ही शर्त पे बच सकते हो, अगर तुम हमारे दोस्त का कहना मानोगे तो। मानेंगे मानेंगे, जो भी कहोगे मानेंगे। तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो, चाहते हो ना? बचा लो हमें। इतनी जल्दबाजी मत करो, वादा करो कि तुम मेरी बात मानो। तो क्या सोचा? मैं वादा करता हूँ। तो मेरी आंखों की गहराई में देखो और बड़े ध्यान से मेरी आवाज सुनो। हाँ, मैं देख रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। मुझे नहीं बचाओगे क्या? मुझे भी बचा लो। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब मेरी आंखों में देखो और मेरी आवाज सुनो ध्यान से। हाँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ। देखते रहो, ध्यान लगाओ। हाँ, देखते रहो। अब तुम दोनों ने मान लिया है कि तुम सबका ख्याल रखोगे, सही कह रहा हूँ ना? मैं तुम्हारे लिए ये रख देता हूँ जिससे तुम्हारे लिए यहाँ से निकलने में आसानी हो जाएगी, तो ठीक है ना? ये बात अच्छे से समझ लेना। महाराज आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं। जय हो। जय हो। कैसे हो तुम सब साथियों? मैंने कर दिखाया। तुमने देखा? वो हो तुम दो।
रुको। देखो जूनियर, हमें उन लोगों ने घेर रखा है और वो सब लोग उसी गुफा के ऊपर हैं। जब हम लोग उनके पास पहुंचेंगे तब हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। ये सब तो मुझ पे छोड़ दो। अब मुझे लगने लगा है कि तुम सिर्फ सोचने वाले फॉक्स हो। तुम इसको मजाक मत समझो, समझे? थोड़ा सब्र रखो और शांत रहो। मैं जो कहता हूँ वही करो, नहीं तो तुम यहाँ पर जंग शुरू करवा दोगे। चलो अब चलते हैं। और कैसे हो मेरे दोस्त? तुम जो भी हो अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम हमारे इलाके में हो और हम मरते दम तक इसकी रक्षा करेंगे। ए बुली, तुम्हें चश्मे की जरूरत है? अरे ये मैं हूँ। कौन? तुम्हें क्या लगा मैं कौन हूँ? तो ये तुम हो मेरे दोस्त। दोस्तों ये है बुली, ये दुनिया का सबसे खास बास बैरिटोन है, सही में, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हारे दोस्त जंगल से यहाँ मेरा गाना सुनने आए हैं? तुम तो बड़े प्यारे बच्चे दिखते हो। आप भी बहुत अच्छे हैं बुली। ये वक्त है हमारे एनुअल म्यूजिक फेस्टिवल का। बोली मेरे दोस्त, ये हमसे डुएट्स सुनना चाहते हैं जिसके लिए हम दोनों मशहूर हैं। कमाल का आइडिया। हमारे सारे गाने इस खूबसूरत लड़की के लिए हैं। मेरा मतलब तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे दोस्तों और मेरे हमदर्दों, मुझे एक घोषणा करनी है। हमें हर हाल में सिम्बा का सत्ता में वापस आने का विरोध करना है, चाहे इसके लिए हमें कैसा भी और कितना भी बलिदान क्यों न करना पड़े। ए, सुनो, तुम बताओ तुम कितना बलिदान करने वाले हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग तुम्हारा खराब है। तुम मेरे गुलाम हो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। बस मत करो गधे। तुम गधे। अरे भाई कोई तो इनको रोको, ये किसी की नहीं सुनने वाले, हम क्या करें? क्या कहा तुमने अभी अभी? गधे। मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। ये ले। मैं हार मानता हूँ। मुबारक हो स्नेक, तुम अपने काम में खरे उतरे। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं आप सही है सिम्बा, ये काबिले तारीफ है। हाँ टाइगर को अच्छा बेवकूफ बनाया तुमने। मैंने हाइना की बात मानने की इच्छा को खत्म कर दिया, मुझे लगता है अब मजा आएगा। अब कौन जंगल का राजा बनना चाहता है? चलो यहाँ से। वाह कमाल कर दिया तुमने। टाइगर के बुरे शासन का अंत हो गया। उसके राज्य में तो वैसे भी कोई खुश नहीं था, अच्छा हुआ चला गया। अब तो ये राजा बन गया है, देखते हैं क्या करता है। मेरा आदेश है कि अब सब लोग जंगल में शांति से रहें, एक दूसरे के साथ। साथ रहो, समझे? हम लोग दाहिने हाथ की गुफा से जाएंगे दोस्तों। क्या हम थोड़ा सा आराम कर लें? हम लोग थोड़ा आराम कर सकते हैं अगर तुम्हें लगता है तो। तुम लोग जरा लाइट की तरफ ध्यान दो, वो बहुत ही अजीब लग रही थी और उसको मैं
भी छोड़कर आई हूँ। लाइट लाइट कहाँ हो तुम? लाइट क्या बात है, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। तो तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम अपने बूढ़े अंकल को बेवकूफ नहीं बनाओगी है ना? देखो वो आ गई। ओह मेरे प्यारे भाई, क्या हुआ? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले विनर को देखा, सच में। ओह विनर, ओह वो बिल्कुल ठीक है। उसने ये बात बताई और वही उसे ढूंढ लेगी, देख लेना। रुको एक सेकेंड, तुम लोग एक बात भूल रहे हो, अगर तालमेल नहीं रहा तो वक्त बर्बाद होगा, समझो तुम? अगर तुमने एक सेकेंड भी बर्बाद किया तो तुम गेम हार जाओगे, समझो इस बात को। तुम प्रैक्टिस कर रहे थे, कम से कम कोशिश तो करो। चलो ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। तुम क्या कर रहे हो, आगे बढ़ो। इस तरफ पास करो। उस तरफ से बॉल पास करो। अरे सेंटर फॉरवर्ड को दो। तुम तो सच में कमाल का गाते हो पॉप, मैं सच कह रही हूँ। दाहिनी तरफ से। तो बस लोगों को जलाना चाहिए और उसको कवर करो। मुझे इस तरह की बातों से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस वहाँ तक जाता हूँ और भूल जाता हूँ। तुम तो एक पॉप स्टार हो, MJ और रोलिंग बोन्स। मैं अपनी उसी कला पर ध्यान देता हूँ और सोचता हूँ राजकुमारी, जिसके बारे में तुमने अभी कहा। बच्चों, दीवार पर लगे पौधे के पास जल्दी आओ ताकि हम तुमसे जरूरी बात कर सके। बच्चों क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ, हम पौधे के बिल्कुल सामने खड़े हैं जैसा कि आपने कहा। ओह बहुत बढ़िया, लगता है कि पीछे बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो बच्चों? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? थोड़ा सा धीरे बोलेंगे आर्बर? ये तो बहुत ही अजीब रिक्वेस्ट है, तुम हो कहाँ? मैं इन्हें बताता हूँ, दरअसल आज शाम हम एक सम्मेलन में आए हैं और अगर ज्यादा जोर से बोलेंगे तो शायद लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। ओह अच्छा, तुम लोग कैसे हो बच्चों? तुम लोग बहुत अच्छे हो आर्बर, तुम्हारा शुक्रिया, मुझे विश्वास है कि तुम वहाँ अच्छे हो गया। मेरी तबीयत ठीक है और तुमसे बात करके मुझे भी अच्छा लगा। और जंगल में सब ठीक है? बहुत बढ़िया, और मेरे पास एक खुशखबरी है, मेरी विनर से बात हुई। आर्बर, मैंने विनर को देखा है, वो एक बहुत बड़े गोल मैदान में था। उसे स्टेडियम कहते हैं और वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तुम्हें वो देख गया? मैं बहुत खुश हूँ। अब हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमें स्टेडियम की ओर ले जा सके। और तुम जानते हो कौन? मुझे खुशी होगी कि मैं तुम्हें वहाँ तक लेके जा सकूँ। बहुत अच्छे। ए यहाँ आओ मेरे पास। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा खेला।
क्या तुमने कभी सोचा है खेलने के बारे में? उस गेम को छोड़ो और मेरी बात सुनो। मैं एक टीम को कोचिंग दे रहा हूँ जिसकी वर्ल्ड कप जीतने की पूरी उम्मीद है। क्या तुम उसका हिस्सा बनना चाहोगे? कुछ मत सोचिए कोच, ये तो बिल्ला है और इसमें बदबू बहुत आ रही है। अरे चुप रहो तुम, तुम्हें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। अब कोच मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, इसमें बहुत बदबू आ रही है, कोई झेल नहीं पाएगा। तो ये बात है हाँ? अगर तुम्हें लगता है कि उसमें से बदबू आ रही है तो खुद को सूंघ के देखो। आप सही कह रहे हैं कोच। जल्दी करो, जल्दी करो। अरे पकड़ लो, ये वो गोल की तरफ जा रहा है, जल्दी करो। अरे उधर से, उधर से। अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे वो देखो, आगे मुझे बहुत मार दिया। मुझे बस फुटबॉल का बादशाह बुलाओ। वाह क्या बात है, तुम तो एकदम लाजवाब हो। मैं तुम्हें अपनी पहली टीम में शामिल करना चाहता हूँ। दरअसल मैं तो बस यहाँ अपने दोस्तों को देखने के लिए आया हूँ। ऐसे कौन से दोस्त हैं जो वर्ल्ड चैंपियन बनने से ज्यादा जरूरी है? तुम उनको नहीं जानती हो, वो लाइट, जूनियर, हिप्नो और जीनियस है। क्या सच में? वो मेरे दोस्त भी हैं, मैं उन्हीं के साथ बड़ा हुआ हूँ। कैसे है वो? वो सब मजे में है, वो तुम्हें बहुत याद करते हैं और उम्मीद करता हूँ जल्द ही तुम सब साथ होगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, कहाँ है मेरे दोस्त? मुझे उनसे मिलना है। जरा अपने पीछे मुड़कर तो देखो। हेलो विनर, हम सब आ गए। ओ मेरे दोस्त। Yay!